बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात कि इसमें मैं आपसे ट्रिक शेयर करूंगी जिसकी वजह से कभी भी मसाले की फीलिंग आपसे बाहर नहीं निकलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए किस कदर अच्छी रोटी बन रही है। आज मैं आपसे ये ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार फूले हुए पराठे किस तरह से आप बना सकते हैं ये रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 पाव आलू को छिलके समेत उबाल लेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम हाई रखेंगे और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा इसके साथ ही चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे। आलू को चेक कर लेते हैं, अगर आसानी से इसमें छुरी चली जाए तो इसका मतलब है ये गल गया है। झटपट से पराठों के लिए आटे की डो गूंद लेते हैं। इसके लिए 1/4 कप पानी शामिल करेंगे, नमक लेवल करके 1 चाय की चम्मच इसे शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा 1/2 किलो, इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। खुश्क आटे में अच्छी तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे। आटे की डो को इस फॉर्म में आने में तकरीबन 350 ml पानी लग चुका है। कुकिंग ऑयल 3 खाने वाले चम्मच, इसे अच्छी तरह से गूंध लेंगे। सिंपल जिस तरह रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंधते हैं इसी तरह से गूंध लेंगे, यानी ना ज़्यादा सख्त तो ना ही नरम। डो का इस तरह से बॉल बना लेंगे और इसको रख देंगे। 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसे गूंध लिया है, इसे कवर करके 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखेंगे। आलू को छिलके समेत उबालने की वजह यह है कि आलू का छिलका प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी आलू अजाफी पानी जज्ब नहीं करेगा जिससे फिलिंग ढीली नहीं बनेगी। आलू का छिलका उतार लिया है, इसे कश कर लेंगे। इसी तरह से सब आलू को कश कर लिया है। नमक 1 खाने वाला चम्मच इस तरह से लेवल करके लेंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, नमक, 1/4 कुटी सुर्ख मिर्च 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा, 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, होममेड अनारदाना 1 खाने वाला चम्मच। अनारदाने की शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। साबुत खुश्क धनिया 2 खाने वाले चम्मच, इन्हें मोटा कूट लेंगे, इसे शामिल कर देंगे। इससे पराठों में शानदार सी खुशबू और जायका डेवलप होगा। कसूरी मेथी 2 खाने वाले चम्मच, 1 छोटे साइज के प्याज को रफली चॉप कर लेंगे। इसे भी शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया 6 खाने वाले चम्मच और 2 हरी मिर्च को चॉप कर लिए, इसे शामिल कर देंगे। अजवाइन 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा, कलंजी 1 चाय की चम्मच, ये ऑप्शनल है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आलू का मसाला ढीला हो जाए यानी नमी का तनासब ज़्यादा महसूस हो तो शायद आपको याद होगा कि नान पराठा की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप उसे फॉलो करें। उसमें तफसील से तरीका बताया गया है कि ढीले मसाले को किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। आलू नान पराठे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स ना रहें, क्योंकि अगर कोई भी गुठली रह गई तो पराठे में सुराख भी हो सकता है। ये तैयार हो गया है। हाथों पे थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। मैदा डस्ट कर लेंगे। रोटी बेल लेंगे।
फिलिंग का एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे। फिलिंग को सेंटर में रख देंगे। इस तरह से लेंगे और इस तरह से चुनट बनाते हुए इसको इकट्ठा करते जाएंगे, हल्का सा साथ घुमाते जाएंगे। और देखें इस तरह से हाथ में ले लेंगे। जस्ट अब हमने इसे इस तरह से मोड़ते जाना है। ये देखें बहुत अच्छे से बाइंड पोजीशन में आ गया है। इसे साइड पे रखते हैं और मैं अब आपसे दूसरा तरीका शेयर करती हूँ जिस तरह से पराठा बनाया जा सकता है। रोटी बनाने के लिए जितना हम पेड़ा लेते हैं उसी तरह का एक पेड़ा बना लेंगे। की तरह हमने मैदा भी डस्ट किया हुआ है, इसे बराबर दो हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। इनके फिर से पेड़े बना लेंगे। इस तरह से दो एक साइज़ के हमें पेड़े मिल गए हैं। दो एक साइज़ की रोटियां बेल लेंगे। एक रोटी पे अच्छी खासी ढेर सारी हम फिलिंग लगाएंगे और इसे फैला लेंगे। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि अच्छी खासी मोटी लेयर हमने फिलिंग की लगा दी है। ये देखिए हर तरफ से 1/2 इंच तक हमने खाली जगह छोड़ दी, यानी इसमें फिलिंग नहीं डाली। दूसरी रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे और इसको थोड़ा खींचते हुए दूसरी रोटी के साइज तक ले आएंगे। इसको इस साइज में लाते जाएंगे और साथ साथ इसको किनारों को सील करते जाएंगे। इसको सील करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि फिलिंग बाहर ना आए। जी अब मैं आपको एक अहम ट्रिक बताऊंगी। जो मैंने फर्स्ट टाइम आलू का पराठा बनाया था तो मैंने इसी ट्रिक से बनाया था। यूँ हाथों पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और अब हम इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और ये जितने किनारे 1/2 इंच बाहर की तरफ पड़े हुए थे इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इसकी वजह से मसाला सब एक जैसा इसके अंदर फिल हुआ हुआ है, यानी कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जिसमें आप समझे कि मसाला फिल नहीं होगा। इसी तरह दूसरे पेड़े को भी देख लें, उसमें भी एक बॉल की शेप में भरा था तो सो उसमें भी बहुत अच्छे से फिलिंग आएगी। जी एक और अहम पॉइंट, रोटी बेलने से पहले हम तवे को प्रीहीट कर लेंगे। 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे और हीट को मीडियम रखा हुआ है। रोटी बेलने से पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और कुछ कलौंजी के बीज डाल देंगे। कलौंजी के बीज के बिल्कुल ऊपर हम ये पेड़े को रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। साइड को चेंज कर लेंगे, इसको एहतियात से उठा लेंगे। और एहतियात से तवे पे डाल लेंगे। सेंटर में थोड़ा सा पानी का ब्रश कर लेंगे और जहाँ से कुलंजी के बीज उतर गए हैं इस तरह से डाल देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे, इससे ये साथ ही चिपक जाएंगे। कुकिंग ऑयल इस पे डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप मक्खन भी लगा सकते हैं। इसको एहतियात से पलटा लेंगे, किनारों से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो चिमटे के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए है तो मैं इसकी ऊपर की सतह पे भी ऑयल लगा दूंगी और इसे टर्न कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए किस कदर अच्छी रोटी बन रही है। फिर से टर्न कर लेंगे। गर्मा गर्म पराठे को इसमें रख देंगे। दूसरे पेड़े के लिए फिर से आटा डस्ट कर लेंगे और जो बॉल शेप का हमने पेड़ा बनाया था उसे हल्के हाथ से ही ऊपर से प्रेस करेंगे। हुश काटा थोड़ा सा हटा लेंगे और पानी से ब्रश कर लेंगे। इस पर सफ़ेद तेल लगा देंगे और हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि इसके साथ चिपक जाए। फिर से 1 खाने वाला चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इस पर एहतियात से पराठे को डाल देंगे। ऑयल लगा देंगे और 1 मिनट के बाद एहतियात से इसे टर्न कर लेंगे। 1 मिनट के बाद आप इसे आसानी से इस तरह से हिला सकते हैं। बस ये क्या करूं, पुरानी आदत है इसलिए चिमटा यूज़ नहीं कर रही। इस साइड पे भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे, एहतियात से इसे टर्न कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा किस कदर अच्छे फूले हुए पराठे बन रहे हैं। जी एक अहम पॉइंट कि जब ये फूलने लग जाएगा इसके साथ ही हीट को मीडियम लो कर दिया था ताकि खूब अच्छी तरह से ये फूल जाए। ये बहुत अच्छे से फूल गया है। इस स्टेज पे मैं चिमटे का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि अगर इसमें कहीं सुराख हो गया तो आपकी हाथ जल भी सकता है, ये एकदम से फट भी सकता है। यानी कुछ मज़े की बात होगी कि जल भी सकता है और फट भी सकता है। जी हाँ
बहुत गर्म एयर आपके हाथ पे पड़ेगी और बहुत बुरी तरह से जल सकता है। मजे की बात देखें, किनारों पे हल्का सा जहाँ से भी फूल नहीं पड़ा, तो अब्बा जी का ये कहना है कि लाजमी इसको प्रेस करके दबाओ ताकि कहीं से कच्ची ना रह जाए। सो मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर लूँगी जी, और अब मेरे अब्बा जी की पसंद का पराठा बन गया है। गर्मा गर्म तिल वाले पराठे को भी निकालेंगे। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा किस कदर ये क्रिस्पी बनी है। बहुत ही मज़ेदार, इतना टेस्टी था, एकने वाला तो मैंने फ़ौरन खा लिया। ये मैं आपको अंदर से इसकी फिलिंग दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल किनारों तक बहुत अच्छी से फिलिंग हुई हुई है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इसके बगैर आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।